नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, इस समय की एक बड़ी खबर मीरा भाईंदर से, जहां मीरा भाईंदर के पूर्व विधायक भाजपा के कद्दावर नेता नरेंद्र मेहता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मामला दर्ज हुआ है। मेरी जानकारी के अनुसार भाईंदर के नवगढ़ पुलिस स्टेशन में धारा एंटी करप्शन एक्ट की धारा 13(1)(e) और 13(2), वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के तहत नरेंद्र मेहता के ऊपर मामला दर्ज हुआ है। ऐसा बताया गया है कि सन 2006 से 2016 के बीच विधायक रहते और नगर सेवक रहते, इन्होंने पद का दुरुपयोग करके 8 करोड़ से अधिक की धनराशि अपनी आय से अधिक अर्जित की, इनके ऊपर आरोप लगाया गया। और इस आरोप में इनके साथ इनकी पत्नी, उनको भी सह आरोपी बनाया गया है कि इनका पैसा जो था उसमें इनकी पत्नी ने उस पैसे का इस्तेमाल किया, ये करके इसकी पत्नी भी आरोपी सह आरोपी है। इस मामले में फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है कि एंटी करप्शन की टीम इनके ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। आप ये जो फुटेज देख रही है उसी सर्च ऑपरेशन की फुटेज है। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मीरा भाईंदर के पूर्व विधायक और भाजपा के जाने माने चेहरे माने जाते हैं। मीरा भाईंदर की राजनीति में नरेंद्र मेहता एक बड़ा नाम माना जाता है। भाजपा में भी 2 गुट है मीरा भाईंदर में, उसके बावजूद भी नरेंद्र मेहता का गुट काफी सशक्त माना जाता है। और भाजपा मीरा भाईंदर ही नहीं, राज्य लेवल तक की भाजपा में इनके बड़ा कद है। अब ऐसे में भाजपा के इस बड़े नेता के ऊपर आज इस तरह की कार्यवाही, इस तरह से मामला दर्ज होने से कहीं न कहीं सियासी हलचल तेज हो गई है। और आने वाले समय में बहुत जल्दी मीरा भाईंदर महानगर पालिका में चुनाव होना है और जरूर नरेंद्र मेहता के ऊपर मामला दर्ज होने से इस चुनाव में काफी बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अब ये प्रभाव किस तरह का पड़ेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।